हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ गया एक और नया वीडियो लेकर। व्हाट्सएप में फिर से एक नया फीचर आ चुका है, तो आज के इस वीडियो में उस नए फीचर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल देव चैनल को बिल्कुल फ्री में और उसके साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आजकल तो मैक्सिमम लोगों के पास ही एंड्रॉयड मोबाइल है। फीचर फोन का ज़माना तो अब नहीं रहा और एंड्रॉयड मोबाइल कुछ करे या ना करे, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक सभी करते हैं, लगभग सभी करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आ चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट्सएप में जब कोई पिक्चर मैसेज या फिर वीडियो आ जाता है तो आपको गैलरी में भी वो शो हो जाता है। गैलरी में व्हाट्सएप इमेजेस नाम पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है और व्हाट्सएप वीडियो के नाम पर भी एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो आप व्हाट्सएप को यूज़ ना करके भी पिक्चर या वीडियो को, व्हाट्सएप के पिक्चर या वीडियो को आप डायरेक्ट गैलरी से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप व्हाट्सएप को लॉक करके रखते हो लेकिन गैलरी को लॉक नहीं करते हो। तो जब आपका फ़ोन कोई आपका फ्रेंड ले लेता है तो गैलरी से भी सब कुछ देख लेता है, व्हाट्सएप पर क्या आपको मैसेज मिला था, पिक्चर मैसेज मिला था, वीडियो मिला था। ओके, तो इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, मीडिया विजिबिलिटी। अगर आप मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं तो व्हाट्सएप पर जो पिक्चर या फिर वीडियो आता है वो आपको गैलरी में देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर आप चले आइए, देन यहाँ पे सेटिंग्स, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डेटा एंड स्टोरेज यूसेज, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मीडिया विजिबिलिटी। तो बाय डिफॉल्ट मीडिया विजिबिलिटी ऑन रहता है, तो यहाँ पे आपको ऑफ करना पड़ेगा। ओके, जस्ट इसके ऊपर आप टैप कर दीजिए, बस आपका यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगा, गैलरी में कोई भी पिक्चर मैसेज या फिर वीडियो शो नहीं होगा। लेकिन अब तक आपका जो पिक्चर या फिर वीडियो गैलरी में शो हो चुका है वो तो रहेगा ही, लेकिन अब से आपका पिक्चर या फिर वीडियो शो नहीं होगा गैलरी में, ठीक है। लेकिन ये जो फीचर अभी मिल रहा है बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में मिल रहा है। तो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम क्या है, अगर आपको पता नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम है स्टेबल वर्सन रिलीज होने से पहले टेस्टिंग करने के लिए फीचर को दिया जाता है। जो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम यूज करते हैं तो उन लोगों के पास पहले ही पहुँच जाता है नया फीचर, ठीक है। तो अगर नया फीचर का कोई बाग रहता है या फिर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उसे बाद में सॉर्ट आउट करके स्टेबल वर्सन रिलीज किया जाता है। ओके, तो स्टेबल वर्सन रिलीज करने से पहले बीटा वर्सन में कुछ टेस्टिंग प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में आप भी ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, जस्ट यहाँ पे प्ले स्टोर में आप चले जाइए, देन यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए व्हाट्सएप, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग प्रोग्रामर में हूँ इसीलिए मुझे ये फीचर मिला है। आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे नीचे चले जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटा टेस्टर में हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई एम इन, तो आई एम इन के ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। देन कुछ मिनटों के बाद आपका व्हाट्सएप भी बीटा वर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप अपडेट कर लीजिए, आपको भी ये फीचर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप का जो बीटा प्रोग्राम है कभी कभी बीटा लिस्ट फुल भी हो जाता है, तब आपको नहीं मिलेगा, देन आपको स्टेबल वर्सन के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे चल के इस तरह का और भी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।